सो चैप्टर वन है रिटेल बैंकिंग और इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें हम. यहाँ से रिटेल बैंकिंग क्या है. रिटेल बैंकिंग डील्स विद लेंडिंग मनी टू कस्टमर. सही बात है, हम कस्टमर को पैसा देते हैं रिटेल बैंकिंग में. बोला है कि कस्टमर्स को आपको लेंड करना है. दिस इंक्लूड बाय लोन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड. तो क्या क्या हम लोन दे सकते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, मॉर्गेज लोन दे सकते हैं, ऑटो लोन दे सकते हैं, कार लोन या हाउस लोन, ये सब भी इसी में आ जाएगा. और सिंपल है डेफिनेशन, में पता है सबको. कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है. पहला, द डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग एज डिस्कस्ड अबव ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारा रिटेल बैंकिंग. तो पहला, उसमें बैंकिंग फैसिलिटी एट इंडिविजुअल. तो हमें रिटेल में सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर का सोचना है, ठीक है. और फोकस टूवर्ड्स मास मार्केट, मतलब मास मार्केट मतलब मास मतलब बहुत ज्यादा. सो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा होता है ना, जनता, इंडिविजुअल जनता बहुत ज्यादा, तो मास मार्केट को हमें फोकस करना है. कवरिंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें मास मार्केट क्या है, इंडिविजुअल का बहुत बड़ा पॉपुलेशन, तो वो मास मार्केट हो गया ना, मतलब बहुत ज्यादा जनता, भीड़ भाड़ है. ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटी असेट एंड प्रक्रिया ऑफ सर्विस प्रोड्यूस टू द इंडिविजुअल कस्टमर. मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइबिलिटीज, डिफरेंट असेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इसमें हम ऑफर कर रहे हैं. द डिलीवरी मॉडल ऑफ इट इज बहुत फिजिकल. हाँ, ये दोनों तरह से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, या तो वर्चुअल या फिजिकल, ठीक है. फिजिकल मतलब वो हमारे स्टाफ, हमारा फिजिकल का मतलब जैसे हमारी ब्रांच में आ रहा है, ठीक है ना, थ्रू ब्रांचेस. तो ब्रांचेस हमारा फिजिकल हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा. हम डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो क्या एग्जाम्पल, एटीएम है ना, मशीन उनके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है. इसको हम ऑफ साइट भी बोलते हैं, ऑफ साइट डिलीवरी. साइट मतलब बैंक की साइट, ठीक है. साइट मतलब बैंक का एरिया, बैंक का प्रमाइसिस. तो बैंक के बाहर, प्रमाइसिस से बाहर, या फिर बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्टैक्ट के बिना अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हमारा इसमें आ जाएगा. सो एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हमारा ऑफ साइट एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑफ साइट ट्रांजेक्शन का. एक्सटेंड टू मीडियम, हाँ ठीक है, जो छोटे और जो मीडियम साइज के बिजनेस है उनको भी हमें एक्सटेंड करना है इसमें. अगला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्या इसके फायदे हैं. क्लाइंट बेस विल बी लार्ज. देखो, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं तो रिस्क कम है. क्यों रिस्क कम है, क्योंकि अगर हम एक बहुत रिच आदमी को, जैसे मान लीजिए एक बहुत रिच आदमी को हम लोन दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट का मांगेगा वो लोन, ठीक है. बड़ा बिजनेस मैन है काफी, तो हम उसको देंगे तो डिफॉल्ट हो गया, तो वो अकेला बंदा डिफॉल्ट हुआ, तो हमारा पूरा पैसा डूब गया. अगर हम 10 छोटे छोटे बिजनेसमैन को देते हैं, ठीक है, जो माइक्रो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें मेंशन किया है ना स्मॉल एंड मीडियम, सो उस केस में क्या होगा कि हाँ ठीक है, एक या दो या तीन बिजनेसमैन का बिजनेस खराब चला जाए, मतलब अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाए, तो बाकी 6 या 7 जो बचे उनसे तो हमें प्रॉफिट हुआ ना. सो इसी वजह से बोला गया है कि हमारा रिस्क स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो बैंकों के लिए रिस्क कम है रिटेल में. सेकेंड पॉइंट है इसका, कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रांग. हाँ, कस्टमर की जो लॉयल्टी है, क्योंकि अब वो एक ही कस्टमर है बैंक का, तो उसकी लॉयल्टी बैंक के लिए स्ट्रांग है. क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वो रिटेल कस्टमर है और वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में रहेगा, ब्रांच के कॉन्टैक्ट में रहेगा. तो उसको कुछ और भी चाहिए हो, जैसे उसने कार लोन लिया है, 2 4 साल बाद उसको हाउस लोन ले रहा है, तो वो भी कोशिश करेगा, ठीक है, इसी बैंक से भी कार लोन का चल रहा है, अभी ईएमआई मेरी कट रही है, तो हाउसिंग लोन भी यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है. तो इस वे में बोला है कि कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रांग. तो क्योंकि कस्टमर का आना जाना लगा रहता है, तो वो उसी बैंक को आगे प्रेफर करता है कि हाँ इसी से ही हम आगे लोन लेते हैं. थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, सीन्स स्प्रेड. हाँ, बहुत से कस्टमर्स हैं तो इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक रहता है, अट्रैक्टिव मतलब अच्छा रहता है. देर इज लेस वॉलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल्स फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स. हाँ, लार्ज कॉर्पोरेट की कंपेरिजन में वॉलेटिलिटी कम रहती है, ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स के फसल मार्केटिंग मास सेलिंग. हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आप मास क्रॉस सेलिंग या कुछ भी, आप बाकी भी प्रोडक्ट उनको भेज सकते हो, ठीक है. और कंस्ट्रेंट, हाँ सब ये हमने फायदे बोल दिए, रिटेल बैंकिंग में इतना फायदा है, तो आप कुछ कंस्ट्रेंट भी बताइए, कुछ कमियां भी बताइए. सो नॉर्मल सी बात है, जब कुछ फायदे हैं तो कमियां भी होंगी, पर वो क्या क्या कमियां हैं वो हम देखते हैं. प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स. बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है तो उसको मैनेज करने के लिए तो बैंकों का उतना ज्यादा स्टाफ स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है. स्पेशली इफ आईटी सिस्टम आर नॉट सफिशियंट रोबस्ट. हाँ, अगर आपका आईटी सिस्टम, वैसे तो काफी काम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन अगर आईटी सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है जो इतने सारे डेटाज को हैंडल कर पाए, तो उस केस में और प्रॉब्लम आ जाता है. सेकेंड, रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैन लेड टू आई टी
कॉम्प्लिकेशन, सो बहुत ज़्यादा रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का एवोल्यूशन हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट आप अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं, तो कैन लेड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आपको बार बार अपग्रेड करते रहना पड़ता है, क्योंकि जब नए नए प्रोडक्ट है तो वो सब आपके सॉफ्टवेयर को भी बार बार अपग्रेड करना है, तो आईटी कॉम्प्लिकेशन भी इसमें बना रहता है। थर्ड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क, वही है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है तो ब्रांच का नेटवर्क भी ठीक ठाक होना चाहिए, जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाँ, लेकिन जो रिटेल कस्टमर्स है वो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे, क्योंकि आप नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है जैसे किसी में तो जीरो बैलेंस भी है, तो ट्रांजेक्शन कम होगी, पर उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो खुद का सर्विस चार्ज है वो ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, 10 to be relatively हाई। तो वो हैंडलिंग मतलब सर्विस चार्ज की बात करें कि बैंक का सर्विस चार्ज इसमें हाई है। हाँ, इसी वजह से ऐसा होता है, फॉर दिस रीजन बैंक आर इनकरेज, इसीलिए बैंक ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं क्लाइंट्स को, जो ये हम रिटेल कस्टमर्स हैं, कि ऐसा कुछ यूज करो कि बैंकों को थोड़ा कम वो हो, मतलब बैंकों का थोड़ा मार्जिन बना रहे और उनको थोड़ा कम लॉस हो। तो क्या है वो तरीका कि आप चीपर चैनल, क्योंकि एटीएम में तो बस मशीन इंस्टॉल कर दिया तो बैंकों का कोई स्टाफ कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, और बहुत सा और भी चीजें होती है जैसे लाइट है या फिर एसी है, कितनी देर वो प्रमिसेस में अंदर है, तो बोला ऐसा जाता है कि जो कस्टमर है अगर वो आपकी ब्रांच में आ रहा है तो वो आपका टाइम लेगा, एक स्टाफ का उतना ही टाइम एक कस्टमर ने लिया, ठीक है, और तो फिर उस उतने टाइम में वो स्टाफ दूसरा कुछ काम कर सकता था बैंक का, ठीक है, तो वो काम नहीं हो पाया। तो अगर एटीएम रहेगा तो किसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो वो सस्ता पड़ेगा बैंकों को। तो टेलीफोन और इंटरनेट, हाँ सही है, जो इंटरनेट फैसिलिटी है बाकी जो कस्टमर को प्रोवाइड करती है इसीलिए दी जाती है, ठीक है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए अपना आप इंटरनेट के थ्रू या फिर अपना एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ताकि बैंकों का जो मार्जिन है वो ठीक ठाक रहे। हायर डेलिक्वेंसी स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड भी एक उसका है रिटेल प्रोडक्ट है, तो वो उसमें अनसिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट का भी ठीक ठाक चांस रहता है, तो उसी उसी बारे में उन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, कहाँ से ये इवेल्यूएट हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं। पहला है हिस्टोरिकली बैंक इन द इंडियन सिनेरियो बिफोर 1960 वाज आइडेंटिफाइड लाइक द बैंक। सो हुआ क्या था कि 1960 से पहले क्या था कि प्रोजेक्ट द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बैंकिंग, 1960 से पहले क्या था, जो बैंक थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, किसने रिस्ट्रिक्टेड थे कि वो लोन देंगे या कुछ भी जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे क्लास क्लाइंट्स या फिर जो अच्छे खासे रिच बिजनेसमैन है सिर्फ उन्हीं को ही लोन देंगे, ठीक है, किस पर्पस के लिए, जैसे रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड है, तो इसी पर्पस के लिए वो लोन देते थे पहले, ठीक है, तो आम जनता के बारे में पहले इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। फिर धीरे धीरे उसके बारे में बात हुई कि ठीक है अभी बैंकों को ये लिखा ना लास्ट लाइन सेकेंड लास्ट, फ्रॉम बींग प्लेन वेलिना कॉमर्शियल फंक्शन बैंक टू न्यू अवतार। तो बाद में क्या हुआ कि बैंकों ने न्यू नए अवतार लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, फिर मर्चेंट बैंकिंग जो मर्चेंट सुविधाएं हैं वो भी देने उन्होंने स्टार्ट की, तब धीरे धीरे रेस होते हुए फंड रेजिंग किया, फिर डेप्ट स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी, ये जब बैंकों ने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अपना जो बेसिक है उसके अलावा जो बैंकों ने एक्स्ट्रा सोचा, तब तभी ये रिटेल बैंकिंग का इवोल्यूशन हुआ। और ये कुछ देखिए जैसे आईएनजी यूरोपियन फाइनेंशियल मार्केटिंग एसोसिएशन ईएफएमए है, उन्होंने ग्लोबल में देखा था कि रिटेल बैंकिंग का क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया में तो बाद में आया था, पहले बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज है वहां आ गया था, तो जहां रिटेल बैंकिंग आया था तो उन्होंने एक रिसर्च टाइप की थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसा असर है रिटेल बैंकिंग से, कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या था, तो उन्होंने द स्टडी कंडक्टेड इन 2000, तो बाद में इन्होंने 2006 में स्टडी कंडक्ट किया था, पहले रिटेल बैंकिंग आ चुका था पर जानने के लिए कि इसको कंटिन्यू करें ना करें, कितना ये प्रॉफिट दे रहा है बैंकों को, तो 2006 में स्टडी कंडक्ट की गई थी, 142 बैंक्स इन 20 कंट्रीज, 20 कंट्रीज के 142 बैंकों को लिया गया था उस एक्सपेरिमेंट के लिए, और देखा था कवरिंग द जियोग्राफिक ऑफ, हाँ ठीक है, कहाँ से था, वो यूरोपियन थे, यूरो जोन के थे, यूरोपियन जैसे ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम फ्रांस ये सब नाम है, और नॉन यूरो जोन भी थे, यूरो जोन और नॉन यूरो जोन, नॉन यूरो जोन जैसे नॉर्वे स्वीडन स्विट्जरलैंड यूके नॉर्थ अमेरिका ये सब बताया, कहाँ कहाँ फॉरन की कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनके बैंकों को लेके ये एक्सपेरिमेंट ये किया गया था, मतलब ये रिसर्च की गई थी, देखा गया था कि कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और ये बस एक बताया हुआ है कि एक तरीके का
स्टडी किया गया था, तो वैसा कुछ इम्पोर्टेंट याद रखने वाला नहीं है। बस ये याद रख सकते कि कितने बैंकों में किया था, 142 बैंक और कितनी, और 20 कंट्रीज के 142 बैंकों में। और नेक्स्ट है हमारा रिटेल बैंकिंग इन यूके। यूके में क्या था, ये बस पुराना एक हिस्ट्री बताया हुआ है कि 1850 के टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ हुआ था, तो वो भी रिटेल बैंकिंग का सिग्निफिकेंट चेंज लेके आया था। ठीक है, बस ये एक ही लाइन पढ़ लीजिए, टेलीग्राफ इन 1850, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड लाइन, फर्स्ट सेकेंड लाइन। और यूके के बाद नेक्स्ट है रिटेल बैंकिंग इन यूएस। यूएस में 1990 के आसपास, 1990 के आसपास एटीएम और ये सब ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स नेटवर्क, हाँ ठीक है, बोला हुआ है कि यूके में स्टार्ट हुआ था, सॉरी यूएस में, यूएस में स्टार्ट हुआ था 1990 के आसपास, और वो एटीएम या अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो आईटी बोल रहे हैं, तो वो स्टार्ट हुआ था यूएस में फर्स्ट टाइम 1990 में। और इस पेज में रिटेल बैंकिंग इन यूरोप दिया है, ये कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जर्मनी विद दिस ब्रांचेस, जस्ट एक डेटास दिए हुए, तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस डेटास दिए हुए। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं, रिटेल और बैंकिंग सिनेरियो इन इंडिया, इंडिया का देख लीजिए, इंडिया में क्या बोला हुआ है। सो हुआ क्या था, 1980 के टाइम पे, ठीक है, सिटी बैंक क्रेडिट वेव्स इन अर्ली 1990 विद देयर, हाँ, सो क्रेडिट कार्ड लेके आया था सिटी बैंकिंग, सिटी बैंक 1980 के टाइम पे क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स एंड स्पर्ड द रिटेल, सो बहुत उनको अच्छा बेनिफिट मिला था, ठीक है, रिटेल बैंकिंग को बहुत, मतलब उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था वो जो क्रेडिट कार्ड 1980 के टाइम पे सिटी बैंक लाया था, तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड रिटेल बैंक का ही प्रोडक्ट है ना, तो उससे स्पर्ड मतलब उत्तेजना, मतलब रिटेल बैंक को उससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था क्रेडिट कार्ड में, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है रिटेल बैंकिंग, अगर हम स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा है, बेनिफिट है बैंकों के लिए। और अगर हम वैसे, ये तो सिटी बैंक वहां का है, अगर हम इंडिया के बैंक की बात करें तो इंडिया का था ये सिटी बैंक, तो फॉरेन बैंक है, इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक वर द टू अर्ली प्लेयर्स इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया के ये दो थे, आंध्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके अलावा और कौन कौन से बैंक थे जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में आए थे, जैसे SBI था, IOB इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा, ये तो अर्ली प्लेयर थे ना सबसे पहले ये दो, तो ठीक है वही बोला कि और कौन कौन उस टाइम पे इंटरेस्टेड इंटरेस्ट दिखाए अपना क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, तो ये वही लाइन बोला है पिच का जो दो तीन लाइन है। और स्ट्रांग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, तो ये भी था कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही थी, और हायर डिस्पोजेबल इनकम, राइज इन यंग पॉपुलेशन, तो हो क्या रहा था कि कैसे और क्या रीजन था कि रिटेल बैंकिंग को इतनी ज्यादा डेवलपमेंट या इतना अच्छा सक्सेस मिला, तो क्यों बैंक इतना प्रेफर करने के लिए आए रिटेल बैंक, उसका रीजन ये भी था कि हायर अब लोगों का इनकम बढ़ रहा था, ठीक है, पहले हम देखें 1940, 50, 70, 60 या 70s या 80 तक तब इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं था, पर अब बढ़ गया था, तो अब जो नॉर्मल जनता थी उनके पास अब ज्यादा पैसे आने लगे थे, ठीक है, पहले गरीबी थी, अब थोड़ा ठीक था सिनेरियो, और यंग पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ज्यादा यंग पॉपुलेशन ही ज्यादा मतलब कमाते हैं पैसे, तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इमर्जेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट, राइस इन मास एफ्लुएंट ऑफ स्पेस, वही कि जो रिच लोग थे उनका एरिया बढ़ रहा था, ज्यादा रिच लोग आ रहे थे, एक्सप्लोजन ऑफ, सो इसके अलावा मैन्युफैक्चर स्पेस हैव कैप्चर द, तो बस यही सब छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से लगा कि हाँ रिटेल बैंकिंग का अच्छा स्कोप है और बैंकों को रिटेल बैंकिंग को प्रेफर करना है और वो उनको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। सो एक और यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है इस पॉइंट पेज पे, मैकिनली पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस सर्वे 2004 में उन्होंने एक सर्वे किया था, ठीक है, क्या बोला था, इन द अर्बन मास हाउस होल्ड इनकम, जो अर्बन मास हाउस होल्ड है जिनका इनकम 25,000 से 2,00,000 पर है साल का इतना है, सो 32% है टोटल इंडिया का, मतलब अर्बन मास का क्या है, अर्बन मास में जिनका सैलरी सॉरी इनकम 25,000 से 2,00,000 के बीच में सालाना इनकम, तो वो 32% लोग हैं ऐसे, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, सो वो सिर्फ 4% क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं, एंड ऑटो लोन उनके लिए पेनिट्रेशन क्रेडिट कार्ड, मतलब ये लोग कितना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ 4% यूज कर रहे हैं जो इतनी 32% पॉपुलेशन है, और ऑटो लोन इनका नेग्लेजिबल है। सेकंड डेटा बोला, एज कम्पेयर टू द पेनिट्रेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आर ऑटो लोन 22% एंड 5% फॉर मास एफ्लुएंट हाउसहोल्ड, अच्छा ठीक है, अब जिनका इनकम ज्यादा है, ये तो 2,00,000 इनकम मैक्सिमम है ना
अब अगला इनकम ग्रुप कौन सा, जिनका 2 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है, 2 लाख और 5 लाख सालाना इनकम है, जिसको मास एफ्लुएंट बोलते हैं। सो वो 22% क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं और ऑटो लोन 5% लेना चाह रहे हैं। इन केस ऑफ अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब जो बिल्कुल ही रिच है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, सो वो क्रेडिट कार्ड 34% और 14% ऑटो लोन। तो ये देख सकते हैं कि कम सैलरी कम क्रेडिट कार्ड, सबसे कम इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम 2 लाख तक वालों के 4% है, और फिर 5 लाख तक वालों का 22% है, और जो उससे ज्यादा 10 लाख वालों तक का 34% है। उस हिसाब से ऑटो का, ऑटो लोन का भी इन्होंने ऑफ ही कर दिया। ये वैसा रटना नहीं है, बस जस्ट बताया हुआ है कि कैसे ज्यादा इनकम के लोग जो आपका क्रेडिट कार्ड या रिटेल बैंकिंग का ज्यादा बिजनेस करके दे रहे हैं, ज्यादा वो लेने के लिए इंटरेस्टेड है। रिटेल बैंकिंग प्रेजेंट स्टेटस अभी क्या चल रहा है, ठीक है, 2009, वैसे इतना अभी भी नहीं है, ठीक है, पर 2009 का थोड़ा बताया लेटेस्ट डेटा। ए वाइट पेपर प्रेजेंटेड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन अक्टूबर ऑन द प्रेजेंट, अभी क्या स्टेटस है, उन्होंने बोला टुडेज, पहला बोला इन्होंने पॉइंट की टुडेज रिटेल बैंकिंग इज इन क्राइसिस, मतलब ये अभी ठीक नहीं चल रहा, संकट में वो बहुत। द सिम्पटम कैन बी टेक्ट ऑफ सो मेनी इनग्रेडिएंट्स इन अ बैड रेसिपी, इन ए बैड रेसिपी लैक ऑफ मार्केट ग्रोथ, उन्होंने बोला कि मार्केट ग्रोथ थोड़ा कम चल रहा है, और रिवेन्यू पुल कम हो रहा है, श्रिंक यानी कम हो रहा है, और अनसर्टेन लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ह्यूज लॉस, तो बैंकों का भी बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से थोड़ा अभी क्राइसिस में रिटेल बैंकिंग, पहला इन्होंने बोला। आर चैलेंजिंग, बोला कि इकोनॉमिक फंडामेंटल बैंकिंग के वो बहुत चैलेंजेस हैं, नॉट ओनली डिपॉजिट मार्जिन, सिर्फ डिपॉजिट में बैंकों को कितना मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि वो लो लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा बैंक है, सो अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से बैंकों का अपना जो मार्जिन है वो थोड़ा कम है, क्योंकि बाकियों से उन्हें कॉम्पीट करने के लिए अपना मार्जिन को कम रखना पड़ रहा है, वरना जो आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है वो कम मार्जिन पर रखेगा, और सारी जनता वहीं से लोन लेना या वहीं से अपने अकाउंट्स मेंटेन रखे, वहीं पर अपने खाते ज़्यादा बनाए खोलेगी। तो यही पॉइंट है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिटेल बैंकिंग, क्या ग्लोबली क्या ट्रेंड है, तो पीएचसी रुपए हैज पर्दा पर्दा ग्लोबल ट्रेंड इन हैज क्रिस्टलाइज द रिटेल बैंकिंग ऑब्जेक्टिव एंड वुड फोकस होता, ये बोला कि रिटेल बैंकिंग इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है कि रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सके, और सफिशियंट फंडिंग बैंकों के पास सफिशियंट फंडिंग, और जनरेट सुपीरियर रिटर्न, हाँ जो असेट चाह रहा है उसको अच्छे से रिटर्न भी मिले, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिगेनिंग देयर, हाँ कस्टमर को समझे, उनके ट्रस्ट को बनाए रखे, कॉपिंग विद इंटरेस्ट डिमांड, जो भी इंक्रीज डिमांड, जो लोन्स या सब जो इसकी डिमांड, जो आजकल बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी, और ओवर अपना सर्विस लेवल भी ठीक ठाक रखें, और ट्रांसपेरेंसी मतलब हर आपकी जो प्रोडक्ट इंटरेस्ट है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ये नहीं कि किसी कस्टमर को आप कुछ बोल रहे हैं, किसी को सबके लिए ठीक ठाक मतलब सही सही रेट रहे, बराबर रहे। एंड मूविंग फॉरवर्ड हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रेशन, ठीक बात है, अच्छी इंडस्ट्रेशन की ग्रोथ हो, ठीक है, हायर लेवल पे पहुंचे तो वो हम बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करेगा रिटेल बैंक के थ्रू भी। इसके आगे बोला हुआ है कि दो द जनरल, हमने देखा कि ऊपर का जो सिनेरियो है, तो द जनरल सिनेरियो अंडर स्ट्रेस, हमने देखा कि ऊपर का जो सिनेरियो है उसके उसको देख के लगता है कि बहुत स्ट्रेस है, पर ऐसा नहीं है, बैंकों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, ठीक है, और लेकिन उनको स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी होगी अच्छी अच्छी और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उनको देखना होगा कि अभी के जो अभी का जो मार्केट है वो क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से उनको क्विकली अपना चेंजेस करना होगा, इम्प्लीमेंट अपने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होगा क्विकली इफिशियंटली, ठीक है, अच्छे से इफिशियंटली इफेक्टिवली, और देन सच बैंक विल बी ना विनर। सो वही बैंक जो आने वाले चेंजेस को और आने वाले जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज है, कुछ बैंक एटीएम को नहीं फॉलो करेंगे, वो पुराना ही चलेंगे, नहीं हम ब्रांच में कस्टमर से डायरेक्ट, तो वो लॉस में रहेंगे, और आजकल कस्टमर खुद एटीएम इन सबको प्रेफर करता है, तो उस तरह के बैंक ऑटोमेटिकली लॉस में होंगे, ठीक है। सो क्विकली जो चेंज आ रहा है उसको अडॉप्ट करना ही है, इफिशियंटली उसको अडॉप्ट करना है, सो वो बैंक ही विनर है और वही हम रह सकते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, टर्नल क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंक, क्या फायदा है, रिस्क इज लेस क्लाइंट, बहुत ज्यादा लोग है तो रिस्क कम है, ठीक बात है, इनकम इज मोर एज स्प्रेड्स आर मोर, ठीक है, बोल सकते हैं, तीसरा स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलेटिलिटी, ठीक है, क्यों होता क्या कि बहुत ज्यादा लोग है ना, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है, तो वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है, अगर होगी भी तो वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा क्लाइंट बेस है, हमारा जो क्लाइंट मतलब बहुत ज्यादा क्लाइंट है हमारे, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो वॉलेटिलिटी कवर हो जाएगा, तो इसका असर जो ऑल ऑफ दी अबव। सेकेंड, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, क्या इसके डिसएडवांटेजेस, पहला ह्यूज क्लाइंट रिक्वायर मोर, जितने ज्यादा क्लाइंट्स है तो उसके लिए मॉनिटरिंग और उसका जो ट्रैकिंग है वो भी देखना पड़ेगा, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मोर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग विल बी हाई, ठीक बात है, अगर वो
ज्यादा लोग हैं तो उतने ज्यादा लोगों के लिए उतना ज्यादा स्टाफ हमें चाहिए, ठीक है। और स्टाफ के अलावा और भी छोटे बड़े जो खर्चे होते हैं बैंकों के, अपने सर्विस के जो चार्जेस होते हैं, तो ठीक है वो भी बैंकों को ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। डिलिक्वेंसी रिलेटेड हाई इन डिलिक्वेंसी मतलब चांसेस ज्यादा है कि जो अनसिक्योर लोन जैसे बैंक देता है रिटेल के, जैसे कि पर्सनल और क्रेडिट कार्ड, तो उसमें भी चांसेस ज्यादा है कि डिलिक्वेंसी मतलब उम्मीद है कि हाँ आ जाएगा पैसा, बट थोड़ा रिस्क भी है उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अब एक बार लेटर सम देखते हैं फटाफट से। बैंकिंग सर्विस बहुत से लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसको रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। फिजिकल भी होता है, रिमोट भी होता है। फिजिकल जब कस्टमर ब्रांच जाके अपना कोई ट्रांसफर करे, रिमोट मतलब वो ब्रांच वाले किसी स्टाफ से ना मिले, वो या तो एटीएम चला जाए या अपने घर पे इंटरनेट ऑन करके अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज करे या मोबाइल ऑन करके मोबाइल बैंकिंग यूज करे। रिटेल बैंकिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि रिस्क इज लेस, रिस्क कम है क्योंकि बहुत ज्यादा जनता होती है तो रिस्क स्प्रेड हो जाता है। इनकम इज मोर, बहुत ज्यादा लोग है तो इनकम भी ठीक ठाक अच्छी खासी हो जाती है। कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग, सो कस्टमर ने जो बार बार एक ही बैंक से जैसे कार लोन लेता, हाउस लोन भी उसी से लेगा, तो उससे उसकी लॉयल्टी बन जाती है अच्छी। स्टेबल मॉडल विद लेस, बहुत ज्यादा जनता है तो वॉलेटली कवर हो जाती है, तो इसलिए इतना वॉलेटल नहीं रहता। हायर क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, हाँ चांसेस अच्छे है क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर बहुत ज्यादा जनता है, तो आप उनको उतने ही ज्यादा क्रॉस सेलिंग के प्रोडक्ट भी पकड़ा सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। बट इट हैज योर ओवर, बस उसके थोड़े से खुद के डिसएडवांटेजेस भी है। ह्यूज क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सही बात है। अभी बोला था कि क्लाइंट बहुत ज्यादा है, पर नीचे बोला कि क्लाइंट ज्यादा तो क्या हुआ, रिस्क तो कम होगा पर साथ साथ उसको एफर्ट्स भी अच्छे लगेंगे बैंकों के, और उसको मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करने के लिए उनको अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग विल बी हाई, सो ज्यादा कस्टमर, तो उनको कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी बैंकों को हाई पे करनी पड़ेगी, बैंकों की कॉस्ट ऑफ सर्विस हाई होगी। जो अनसिक्योर लोन होते हैं जैसे पर्सनल और क्रेडिट कार्ड, उसमें डिलीक्वेंसी ज्यादा है, ये क्वेश्चन था पीछे का। सो बोले ग्लोबली अगर हम देखें तो उसका अच्छा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और इमर्जेंस ऑफ न्यू रिमोट चैनल्स, लाइक अच्छे अच्छे न्यू रिमोट चैनल्स भी इमर्ज हुए हैं, ग्लोबली भी हुए हैं और इंडिया ने भी बाद में उसको लिया। अल्टरनेट चैनल, अल्टरनेट चैनल का मतलब जो रिमोट चैनल्स है, ठीक है, जैसे एटीएम मोबाइल, उनका भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। टू मीट द ग्रोइंग, बहुत ज्यादा ग्रोइंग कस्टमर्स, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए अल्टरनेट जो चैनल है उसने अच्छा गेन, उसने अच्छा गेन किया, वो अच्छे से गेन हुआ है, अच्छे से बैंकों को गेन दिया, मतलब प्रॉफिट दिया। द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक रिटेल बैंकिंग हैज स्टेबल, मतलब बैंकों की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसने उसको अच्छे से ग्रोथ दी, बट वाज अंडर स्ट्रेस 8 या 9 में ड्यू टू द ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया था ये क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल के। लेकिन बोला है कि लेकिन ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉमिसिंग है, और हाउस होल्ड के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग है, और एशिया और साउथ एशिया में बहुत अट्रैक्टिव है, और फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रिटेल कस्टमर्स वो बढ़ने वाले हैं। बोला है कि इंडिया में क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने शुरू किया था, लेकिन उसको नर्चर मतलब उसको आगे और फॉरेन बैंक भी लेके गए थे, जो न्यू जनरेशन के प्राइवेट बैंक है वो सब ने उनको बहुत अच्छे से आगे वो किया, इट क्रियो उन सब ने उनको आगे अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प किया, मतलब उन सब ने भी उन्हीं को अडॉप्ट किया जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने स्टार्टिंग में शुरू किया था रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट कस्टमर को देना। सो ये कुछ डेटास बताए हुए हैं, ऐसा कुछ डेटास रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इंडिया स्टिल, ठीक है, दैट्स ऑल। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन था अभी दिसंबर 2018 में, ठीक है। तो इसमें से बीच में से भी अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब चैप्टर नंबर 2 करेंगे, तब तक आप इस फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक्स।